हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दो, जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था आप लोग एग्ज़ाम के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी इसकी एक प्लेलिस्ट आप लोग को चैनल पर बना दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि सच में आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितनी भी वीडियो अपलोड होती हैं आप लोग देखते जाइएगा, नहीं तो आप लोग एग्ज़ाम दे के आएंगे तो पछताएंगे कि उस वीडियो को भी देख लिए होते। चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम को फॉलो नहीं किए तो तीनों की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी गई है, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, जिसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स से लिखना है। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आप लोग से सवाल पूछा जा रहा है, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है। यदि आप लोग यहाँ पे आंसर नहीं दे पा रहे तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। विषाणु, जीवाणु, कीटाणु या कवक दूध से दही बनने का कारण कौन होता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स से लिख लीजिएगा, तभी आप लोग वीडियो से आगे बढ़िए, चाहे आप लोग गूगल भले ही करना पड़े। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, इसका आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। पहला सवाल आज का है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिए आंसर जरूर लिखते जाइएगा, इससे आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोग से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, आप लोग ध्यान दीजिए। रक्तहीन में सर्जरी दो की जाती है, ये लेजर के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से? लेजर के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। आई होप सभी लोगों को पता होगा, क्या है इसका नाम? इसका नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये है ऑप्शन थर्ड, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। क्या है? बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल है, 2010 में पूरे चेहरे पर पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर किया गया था? आप लोग सभी लोग पता होगा, ये किया गया था स्पेन में। कहाँ पे किया गया था? स्पेन में किया गया था, ऑप्शन थर्ड आप लोगों का राइट आंसर होगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और एक ग्रुप बनाया गया आप लोग डिस्कशन के लिए। आप लोग जितने भी ग्रुप से जुड़ेंगे उसमें आपस में आप लोग नोट्स, जो बातचीत है और कुछ भी आप लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप की लिंक भी आपको उसी चैनल पर डाल दी जाएगी, टेलीग्राम पर वाले पर आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी उसमें समथिंग 350-250 लोग जुड़ चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आप लोगों के सामने, पौधों का लाल रोग विगलन किससे प्रभावित होता है। राइट आंसर होगा गन्ना से, गन्ना प्रभावित होता है इस रोग से। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। जो गैस है सीओ गैस जो है बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। ये किया था एंटी एसिड का दवा का प्रयोग किया था, ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। राइट आंसर होगा स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है, ये होता है ऑप्शन सेकेंड वार्षिक वलयों की संख्या से। किससे? वार्षिक वलयों की संख्या से निर्धारण होता है, ऑप्शन सेकेंड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। सिरका का तैयार करने में जिसका उपयोग किया जाता है, किया जाता है एसिटिक एसिड का, किया जाता है किसका? एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है, आप लोग याद कीजिएगा। अगला सवाल है, अंग्रेजी आईवी क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी आईवी जो है ये यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। क्या है? यूएसए में जो है अंग्रेजी आईवी जो है यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। अगला सवाल है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलनेम ट्यूबरोसस है। यानी आप लोग समझ लीजिएगा, जितने भी वैज्ञानिक नाम है एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा आलू का नाम है। ठीक है, सोलनेम ट्यूबरोसस जो है आलू का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है। कौन छोड़ता है? फाइटोफ्लेक्नाटान जो है ये जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के पार्ट 4 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
और आप लोग को यह सीरीज एक या दो सीरीज और मिलने वाली, फिर आप लोग को बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, जो भी टॉपिक पर आप लोग या जिस भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।